ये कहानी है राहुल की, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी। राहुल की उम्र जितनी छोटी थी, गुस्सा उतना ही बड़ा। राहुल को जब गुस्सा आता तो वो कुछ भी कह जाता। राहुल के बात बात पर गुस्सा होने से घर वाले काफी परेशान थे। जब घर वालों के बार बार समझाने पर भी राहुल के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, तो एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा बैग और लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ाते हुए कहा, राहुल, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम एक कील इस लकड़े पर ठोक देना। पहला दिन बीतते बीतते राहुल ने उस लकड़े में 35 कीलें ठोकी, जिन्हें ठोकने में उसे काफी परेशानी हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लकड़ी पर कीलों की संख्या कम होने लगी। राहुल को महसूस हुआ कि लकड़ी पर कील ठोकने से ज्यादा आसान है अपने गुस्से पर काबू पाना। और कुछ ही दिनों के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब राहुल को लकड़ी पर कोई कील नहीं ठोकनी पड़ी, जिसका मतलब था कि राहुल को इस दिन एक भी बार गुस्सा नहीं आया। ये देख राहुल को बेहद खुशी हुई और उसने अपनी इस खुशी को अपने पिता संग बांटा। पिता ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, राहुल, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आज तुम्हें एक बार भी गुस्सा नहीं आया, और आज से तुम जब भी अपने गुस्से पर काबू करोगे तो इस लकड़ी में से एक कील निकालते जाओगे, समझे? पिता की बात ध्यान में रखते हुए राहुल अब जब भी अपने गुस्से को काबू करता, एक कील लकड़ी में से निकाल देता। और ऐसा करते करते वो दिन भी आया जब लकड़ी में एक भी कील नहीं बची। खाली लकड़ी को देख राहुल खुशी से झूम उठा और फिर एक बार उसने अपने पिता को यह बात बताई। लकड़ी पर एक भी कील ना देख पिता को बेहद खुशी हुई और राहुल के हाथ से लकड़ी लेकर पिता बोले, बेटा राहुल, इन छेदों को देख रहे हो जो तुम्हारे कील ठोकने से हुए? अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर यह लकड़ी पहले जैसी नहीं हो सकती। इसमें यह निशान हमेशा के लिए रह गए हैं। जैसे कमान से निकला हुआ तीर कभी नहीं लौटता, वैसे ही जुबान से निकले हुए कड़वे बोलों को कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए हर बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए, वरना यह किसी को बहुत दुख पहुंचा सकती है। बेटा पिता की सीख भली भांति समझ गया और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने गुस्से पर काबू रखेगा।